अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। कलेक्टिवली 24 ऑफिसर शहीद हुए हैं। 550% का उछाल जवान की कमाई में नेशनल सिनेमा डे पर 13 अक्टूबर को देश भर में नेशनल सिनेमा डे मनाया गया। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बताया कि इस दिन देश भर के तमाम मल्टीप्लेक्स में कुल 60 लाख से ज्यादा लोग सिनेमा देखने पहुंचे, जो कि 2023 का दूसरा सबसे ज्यादा फुटफॉल वाला दिन है। इस इवेंट में कुल 4000 सिनेमाघरों में ने हिस्सा लिया। नेशनल सिनेमा डे के दिन इंडिया के तकरीबन सभी सिनेमाघरों में हर फिल्म की टिकट 99 रुपए में बिकी। इसका फायदा शाहरुख खान की जवान से लेकर अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज और फुकरे 3 जैसी फिल्मों को मिला। टिकटें सस्ती होने के बावजूद इन तीनों फिल्मों ने मिलकर 13 अक्टूबर को 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। जवान की कमाई छठे हफ्ते में गिर गई थी। शाहरुख खान स्टारर ये फिल्म इस हफ्ते लगातार 70 से 80 लाख रुपए प्रति दिन के देर से कमाई कर रही थी, लेकिन शुक्रवार को जवान की कमाई में 550% की उछाल दर्ज करवाई गई। रिलीज के 37वें दिन जवान ने 5 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। इससे फिल्म का इंडियन कलेक्शन पहुंच गया है 632.5 करोड़ रुपए। वहीं इटली डायरेक्टेड ये फिल्म दुनिया भर से 1125 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है, जो कि शाहरुख खान की पिछली फिल्म पठान से 75 करोड़ रुपए ज्यादा है। नेशनल सिनेमा डे का फायदा अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज को भी पहुंचा। ये फिल्म टिकट खिड़की पर काफी खराब खुली थी। 2.85 करोड़ रुपए की ओपनिंग पाई थी, मगर 13 अक्टूबर को इस फिल्म ने भी 300% का जंप मारा। रिलीज के दूसरे शुक्रवार को अक्षय की इस फिल्म ने भी 5 करोड़ रुपए की कमाई की। इससे पहली फिल्म का टोटल कलेक्शन पहुंच गया 23.50 करोड़ रुपए। असल घटनाओं से प्रेरित इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा, कुमुद मिश्रा, रवि किशन, जमील खान, वरुण बडोला और दिव्येंदु भट्टाचार्य जैसे एक्टर्स ने काम किया था। मिशन रानीगंज को टीनू सुरेश देसाई ने डायरेक्ट किया था। 13 अक्टूबर को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही फुकरे 3। नेशनल सिनेमा डे के दिन इस फिल्म की कमाई में 400% की बढ़ोतरी नोट की गई। इस फिल्म ने रिलीज के 16वें दिन 5.25 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। इससे फिल्म की कुल कमाई पहुंच गई 86.50 करोड़ रुपए। इसके बाद से उम्मीद लगाई जा रही है कि फुकरे 3 का लाइफ टाइम कलेक्शन 100 करोड़ रुपए के पार जा सकता है। फुकरे 3 से पुलकित सम्राट, ऋचा चड्ढा, वरुण शर्मा, मंजोत सिंह और पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स ने काम किया है। इस फिल्म को मृगदीप सिंह लांबा ने डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है इन उछाल में, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।